हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियोस में जैसे कि हमने आपसे सिर्फ टेलिंग की इनिशियल मीन्स इंट्रोडक्शन और सेटिंग्स ले चुकी, तो आज हम वर्क करेंगे मैनुअली कैसे बीम वीबीएस तैयार करते हैं और ऑफर बीम, और किस तरह से हम उसको ऑटोमेटिकली उसका वीबीएस तैयार कर सकते हैं। तो ये तीन ऊपर मेन्यू बार में टैब्स आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं यहाँ पर ASD स्ट्रक्चर एलिमेंट, यहाँ से हम बनाएंगे। मैंने सेटिंग्स पहले ही कर ली थी, मैंने प्रेफरेंसेस एंड जॉब प्रेफरेंसेस, और इनसे भी पहले मैंने यहाँ से ASD में आके इन आइकन ऑन द न्यू में आके मैंने ड्राइंग में फिर हमने सेलेक्ट कर लिया था अपने टेम्पलेट, जिस टेम्पलेट में हमें वर्क करना था। ओके, सो लेट मी स्टार्ट इट। तो जैसे ही आप बीम के ऊपर क्लिक करते हो, तो बीम पर क्लिक करने के बाद एक न्यू के पास विंडो खुल के आती है, जिसके ऊपर के आपके को डायमेंशंस पूछी जाएंगी कि किस क्या डायमेंशंस हैं आपके बीम की। तो वो सब डिटेल्स आपको इसमें फुलफिल करनी पड़ेगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा वेट करते हैं। ओके, तो ये हमारा खुल गया। रेनफोर्समेंट ऑफ बीम आप देख सकते हो। सबसे पहले ज्योमेट्रिक, यू कैन गिव अ नेम ऑफ बीम ओवर हेयर, लाइक बीम ऑफ फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल। सो हम यहाँ पर इसकी नेमिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि कौन से लेवल की कौन सा बीम नंबर है। अगर हमने इसको स्टैट प्रो में डिज़ाइन कर रखा है, तो स्टैट प्रो एडिटर्स में जो स्टैट प्रो आउटपुट फाइल आती है, उसमें क्लियरली लिखा होता है कि विच बीम नंबर। ओके, तो वो बीम नंबर आप डाल के उसके रेनफोर्समेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका BBS तैयार कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन शोज हमज, तो मैंने वहाँ पे मिलीमीटर्स में कर रखे हैं, जिस तो आज से मिलीमीटर्स में गोइंग टू टेक इट विड्थ ऑफ 300, विड्थ ऑफ 230 mm एंड हाइट इज 300 mm। इट्स नाइस। नेक्स्ट वन लेफ्ट सपोर्ट, इस आज सपोर्ट है लेफ्ट सपोर्ट। ओके, सो इन लेफ्ट सपोर्ट इज़ वॉट, लेफ़्ट सपोर्ट वो सपोर्ट जो कि हमें इस तरफ दिख रहा था। अभी इसमें कैंटिलीवर लगा हुआ है, तो मुझे कैंटिलीवर पे काम नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से इस वे को चेंज करूँगा। आपको फिक्स्ड चाहिए, सिंपली सपोर्टेड चाहिए, एंड कंटिन्यूस कॉलम चाहिए जो कि फर्दर आगे बढ़ू। और सो दीज आर ऑल द टाइम्स। सो मैं यहाँ पे फिक्स्ड लेने जा रहा हूँ, मैंने फिक्स ले लिया। अगर आप देखेंगे ऐसे सपोर्ट चेंज हो जाएगी। उसके बाद आप स्पैन की लेंथ को यहाँ से बढ़ा सकते हैं कि स्पैन की लेंथ कितनी चाहिए आपको। 3 मीटर की लेंथ चाहिए, तो ये 3 मीटर की आपकी स्पैन की लेंथ होगी। नंबर ऑफ स्पैन कितने चाहिए आपको, नंबर ऑफ स्पैन आप इंक्रीज़ कर सकते हो। यू कैन सी द चेंज ओवर हेयर कि आप जब जब इसको क्लिक करोगे तो इतने नंबर ऑफ स्पैन नीचे बढ़ते रहेंगे। ओके, सो अभी बेसिकली मैं एक स्पैन के लिए आपको डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। ओके, आफ्टर दिस हम क्या करते हैं कि हमने सारे वैल्यूज असाइन कर दिए। यहाँ पे आप राइट सपोर्ट कितना है, अगर 300 mm का है तो आप यहाँ 300 mm ही रहने देंगे, और अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि ये 230 mm है। तो अगर मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे 230 mm 0.230 meter दे दिया, तो यू कैन सी अ चेंज ओवर हियर, यहाँ 0.230 हो गया। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं 2.3 ही लेके चल रहा हूँ इसको। सो दिस वन स्पैन लेंथ, तो आप समझ सकते हैं कि इसे सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका क्लियर स्पैन है, एंड दिस वन इज इट्स इफेक्टिव स्पैन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज अ स्टीरअप। सो विच काइंड ऑफ स्टीरअप यू वांट टू प्रोवाइड इन अ सेक्शन, ओके, और इन अ बीम। तो किस तरह की चाहिए आपको, डाया किस कौन सा बार का चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ वो सब चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, स्टीरअप कौन सी है आपकी, यू कैन सी स्टीरअप ओवर हियर। ओके, यू कैन चेंज अ स्टीरअप एंड द मैनर यू वांट टू असाइन अ स्टीरअप। और उसके बाद यहाँ पे मटेरियल आप देख सकते हो, कौन सा कोड चाहिए, हुक कौन सा चाहिए, हुक 135 135। ओके, सो बेसिकली हम 135 ही हुक लेते हैं, 135, और अदर टाइप्स ऑफ हुक भी होते हैं, नन भी होता है, बट हम ओपन हुक प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि हमारा स्टैट भी उनको डिज़ाइन करके नहीं देता। ओके, हियर इज द क्लियर कवर, क्लियर कवर फ्रॉम द स्टीरअप्स। नेक्स्ट वन एंटी श्रिंकेज रेनफोर्समेंट, अगर आपको एंटी श्रिंकेज रेनफोर्समेंट डालनी है तो आप यहाँ पर एंटी श्रिंकेज रेनफोर्समेंट की डिटेल्स दे सकते हो।
देखते हैं इसका डाया क्या है, यू कैन इंक्रीज द डाया ऑफ द एडिटेशन के रिइंफोर्समेंट ऑल्सो। सो स्टीरअप नंबर मीन्स कौन सी स्टीरअप का डाया होना चाहिए, तो ये भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि दिस वन इज द मेन बार दिस टू एंड देन द डाया ऑफ द दिस वन। ओके सो लेट मी रिपीट टाइम, ओके सो दिस वन इज एडिटेशन के पर। After this stirrup distribution, the way in which you want to distribute the stirrups in a beam, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। सो इनिशियली यहाँ पर आप देख सकते हैं S1, S2, S3 है। सो S1, S2, S3 भी बाई डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज ले रहा है, सो यू कैन चेंज इट ओवर हेयर, और अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं इसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। सो आजकल बेसिकली टू निगलेक्ट द शेयर एट द कॉर्नर ऑफ द बीम एट द एजेस ऑफ बीम, हम क्या करते हैं वहाँ पे जो स्पेसिंग होती है इन बिटवीन द स्टीरप्स उसको कम कर देते हैं। इससे क्या होता है, स्पेसिंग जब कम होती है तो वहाँ पे शेयर कनेक्ट करता है। सो इसलिए हम यहाँ पे उसकी स्पेसिंग हमने कम रखी है, बीच में ज़्यादा रखी है। यू कैन चेंज इट ऑल्सो, लाइक मुझे यहाँ पर 75 चाहिए, तो बोथ 75 एंड देन मिडिल में मुझे 150 चाहिए, आप यहाँ पर 150 कर सकते हैं। L1 इज बेसिकली द लेंथ, जितने लेंथ में वो बाहर पड़ने वाली, लाइक 240 mm तक वो बाहर पड़ती है, यू कैन इंक्रीज इट कि 240 तक ना पड़े, कहीं 350। ओके L1 इज 240 एंड दिस वन इज 240 250। ओके सो बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हो 350 एम एम, दिस वन इज ऑल्सो 350। ओके और उसके बाद डी एल इज बेसिकली कि जो आपका एज है फ्रॉम वेयर, जहाँ पे आपका कॉलम है, कॉलम के एज से आप कितने डिस्टेंस पे स्टीरअप देना चाहते हो, तो यू कैन गिव अ डिस्टेंस ओवर वेयर बाय डिफॉल्ट इन दिस एन इन वेयर। यू कैन गो विद अ क्लियर कवर ऑल्सो, विद द वैल्यू ऑफ क्लियर कवर इज 25। You can take it 25 from this point, so similarly 25 from this point. If the bar is continuous then आप 25 नहीं लगते, आप कम कर देते हो उस चीज़ को, बट हमारा बीम कंटिन्यूस हो, बट हमारी बीम सिंपली सपोर्टेड है तो हम उससे 25 समय में ले लेंगे। ओके बाकी अगर आपको लेफ्ट सपोर्ट के ऊपर कुछ स्टिरप्स आगे की तरफ चाहिए तो यू कैन प्रोवाइड इट ओवर, यानी राइट सपोर्ट पे चाहिए तो यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बार मेन बार किसी होनी चाहिए, उसका डाया क्या होना चाहिए, यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। बेसिकली दिस वन इज 0.01 meter, दिस वन इज बाय डिफॉल्ट द मिनिमम डाया ऑफ द मेन बार। मटेरियल विच काइंड ऑफ मटेरियल वॉज द नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द बार विच आर यू गोइंग टू प्रोवाइड इन, दिस वन इज लोअर बार सेक्शन, दिस वन अपर बार सेक्शन। हुक्स इज 90, यू कैन चेंज इज टू नैनो ऑल्सो, दिस 90। नंबर ऑफ बार्स, हाउ मेनी बार्स यू बाउंड इन अ टॉप वन एंड द नंबर ऑफ बार्स इन अपर। आप वर्सो बेसिकली ये हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ बार ऊपर कितनी चीज़ें चाहिए, तो ये सब हमको डिज़ाइनिंग प्रोसेस इन्हें स्टैपर से पता चलेगा कि स्टैपर में जब हम इस चीज़ को डिज़ाइन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ बार यहाँ डालनी है, ठीक है। सो बेसिकली LA क्या है हमारा यहाँ पे, LA वो लेंथ है जो कि हमारी बॉटम बार अप की तरफ जो जा रही है वो कितना जा सकती है, तो यू कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ द डेप्थ ऑफ द बीम। सो हमने डेप्थ ऑफ द बीम कितनी ली थी, 300 mm ली थी। अकॉर्डिंग टू 300 mm 25 क्लियर कवर यूज़ करके तो कितना बचा, 250 mm बच गए, और 250 mm के बाद हाउ मच यू कैन अफोर्ड अ लेंथ, तो इट टेक बाई डिफॉल्ट 0.150 मीन्स 150 mm, तो 150 mm के साथ जा सकते हो। सिमिलरली LB में क्या आपका नेक्स्ट आ गया, तो अपर बार में क्या चीज़ है कि नंबर ऑफ बार कितनी चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हो। LA क्या है हमारा 0.56 है, लेट मी इंक्रीज इट 3 and 3 एंड LA 0.56 meter, दिस वन इज गोइंग इनटू अ कॉलम। द रीज़न इज दैट कि ये जो नीचे से बाहर आ रही होती फॉर अ कॉलम टू सपोर्ट अ बीम, तो हम उसके साथ इसको मर्ज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ होगी, उसके बाद हम आ जाते हैं एडिशनल टॉपर्स। हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर लाइक स्टैड एंड टैब्स एक्सेट्रा, वो हमें एडिशनल बार्स नहीं देते, और साइट पे भी हमें इंजीनियर एडिशनल बार प्रोवाइड करने को हाँ नहीं कहता। रीज़न इज दैट हमारे स्टैप्रो और ई टैब्स जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो एडिशनल बार्स को भी
दिमाग में रख के डिज़ाइन नहीं करते, देखना है कितने हमारे अबाउट एक्स्ट्रा बार्स, ठीक है। मतलब इसमें एडिशनल बार्स भी डालेंगे, एडिशनल बॉटम्स बार्स भी हैं, आप एडिशनल बॉटम्स बार भी डाल सकते हो दोनों रूम्स के ऊपर। देन द बार डिवीजन, बार डिवीजन इज अनदर थिंग, आई कैन टेल यू अबाउट दिस, आई विल टेल यू अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड देन द सेक्शंस, जिनका जिनका आपको प्रिंट चाहिए आप देख सकते हो, मैंने सिर्फ क्रॉस सेक्शन वन रखा, क्रॉस सेक्शन तो तीनों सेक्शंस का वो आते हैं। ओके, आफ्टर प्लेसिंग होते मॉडल ऑप्शन आप देख सकते हो, हमारे पास एक नई चीज एक सौ होते हैं V100, तो वो आपको ठीक है मॉडल आप इसको जूम करके देख सकते हो, इसमें इसमें पास प्रोवाइड करते हैं, किस तरह की बार आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारे इनकरेज बार है, हमारे टी शर्ट के छोटे एनफोर्समेंट, टी शर्ट के स्टूडेंट, ओके। एंड दीज ऑल आर द सेक्शंस लाइक वन सेक्शन, टू सेक्शन एंड थ्री सेक्शन, एंड दीज ऑल आर द स्टाइल्स लाइक स्टाइल वन, स्टाइल टू एंड स्टाइल थ्री। सो ओके, दिस वन इज द विड्थ ऑफ द सपोर्ट एंड हाउ मेनी बार्स इट प्रोवाइडेड इन अ सेक्शन इन अ विद अ स्टाइल वन एंड स्टाइल टू ऑफ डाया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, टोटल के जी और बार, हाउ मेनी के जी इट यूज सर, दिस वन डाइट डाइज 13.86, 10 डाइज 4.38 एंड 12 डाइज 23.07। दिस इज ऑल अबाउट ऑटोमेटिक बीम सेक्शन। ओके, थैंक्स स्टूडेंट, क्लास।
Yeah.